बाल दिवस के दिन से चल रहे चाइल्ड लाइन से दोस्ती सप्ताह शनिवार को विधिवत रूप से संपन्न हो गया। चाइल्ड लाइन हमीरपुर के समन्वयक सुरेंद्र प्रकाश सहित उनकी पूरी टीम इस चाइल्ड लाइन दोस्ती सप्ताह में जागरूकता हेतु जुटी रही। चाइल्ड लाइन हेल्पलाइन नंबर 1098 पर किसी तरह से सेवाएं प्राप्त की जा सकती हैं, इसकी जानकारी भी प्रदान की गई। उपायुक्त हमीरपुर के कार्यालय में चाइल्ड लाइन से दोस्ती सप्ताह का समापन किया गया। इस दौरान चाइल्ड लाइन हमीरपुर की तरफ से उपायुक्त हमीरपुर देवश्वेता वर्णिक को बैच लगाकर तथा मोमेंटो देकर सम्मानित भी किया गया। साथ ही चाइल्ड लाइन से दोस्ती का बैंड भी कलाई में बांधा गया। इसके साथ ही हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की गई। सबसे पहले उपायुक्त हमीरपुर ने हस्ताक्षर कर इस अभियान की शुरुआत की। चाइल्ड लाइन हमीरपुर के समन्वयक सुरेंद्र प्रकाश ने बताया कि इस सेवा सप्ताह का मतलब लोगों को समझाना था। उन्होंने बताया कि हम सभी को चाइल्ड लाइन का हिस्सा बनना चाहिए, जिससे बेबस, बेसहारा और मुसीबत में फंसे हुए बच्चों की सहायता की जा सकती है। मैं सुरेंद्र प्रकाश है और मैं चाइल्ड लाइन हमीरपुर में केंद्रीय समन्वयक के तौर पर जो है सेवाएं दे रहा हूँ। एक तकरीबन 1.5 साल से दे रहा हूँ जी, जब से चाइल्ड लाइन ओपन हुई है। और हमारा जो है बाल दिवस 14 नवंबर से लेकर जो है 20 नवंबर तक जो है हमारा चाइल्ड लाइन से दोस्ती सप्ताह का कार्यक्रम मनाया जाता है, वो भी देश भर में मनाया जा रहा है चाइल्ड लाइन हमीरपुर द्वारा, चाइल्ड लाइन द्वारा। और आज जो है, आज सबसे अच्छी बात ये है कि 20 नवंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस है, तो मैं जो है मतलब सभी को आपके माध्यम से जो है बाल दिवस के मौके पर जो है बधाई देता हूँ। और हम जो है इस कार्यक्रम का समापन जो है डीसी महोदय से करवा रहे हैं, सिग्नेचर कैंप चाइल्ड लाइन से दोस्ती भी के कैंपेन से करवा रहे हैं। मैडम के हस्ताक्षरों से जो है हमारा जो है ये कार्यक्रम जो है समापन होगा। हम यही संदेश देना चाहते हैं कि चाइल्ड लाइन जैसे जैसे जो है लोगों को, बच्चों को अवेयर कर रही है कि 1098 क्या है, तो हम सब जो है इस के माध्यम से, आप मीडिया के माध्यम से यही बोल आगे आग्रह करना चाहते हैं कि सबको जो है 1098 के बारे में पता हो, ताकि जो है बेबस बेसहारा जो बच्चे हैं उनकी जो है हम जो है सहायता कर सकें। उपायुक्त हमीरपुर देवश्वेता वणिक ने कहा कि सभी को चाइल्ड लाइन का हिस्सा बनना चाहिए। बाल दिवस के अवसर पर चाइल्ड लाइन से दोस्ती सप्ताह का आयोजन किया गया था। यदि कोई बच्चा बेबस, बेसहारा और मुसीबत में हो तो 1098 टोल फ्री नंबर पर सूचना प्रदान कर सकता है। चाइल्ड लाइन के माध्यम से ऐसे बच्चों को सही मार्गदर्शन भी किया जा रहा है। लाइन से दोस्ती सप्ताह का आज समापन किया गया है। ये हर साल हम 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे के दिन से शुरू करते हैं, और पिछले ही साल से आपको ध्यान होगा कि चाइल्ड लाइन जो है हमीरपुर ज़िले में शुरू किया गया है। और 1098 ये जो हेल्पलाइन नंबर है, ये नेशनल हेल्पलाइन नंबर है। कोई भी बच्चा कहीं भी डिस्ट्रेस में किसी को मिलता है, या बच्चा खुद जो है जो सोच समझने समझने की शक्ति रखता है, ऐसा कोई भी बच्चा खुद को खुद की रेस्क्यू के लिए कहीं पे जो है उसको नहीं पता लगता है कहाँ जाना है, तो ये जो हेल्पलाइन नंबर ये नेशनल लेवल पे ये चलाया जाता है। हमीरपुर ज़िले में इसका जो ब्रांच जो है पिछले साल से ऑपरेशनल है, और इसमें कई सारे जो बच्चे हैं जिनकी चाइल्ड लाइन में जिनके द्वारा जो है कॉल्स की गई, ये नेशनल लेवल पे कॉल सेंटर से ये रीडायरेक्ट होती हैं कंसर्न ज़िले में, और उन बच्चों को रेस्क्यू किया जाता है। उनको या तो उनके घर वालों तक रिहेबिलिटेट किया जाता है, या चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में भेजा जाता है उनकी देखभाल जो है उसके लिए, जो है गवर्नमेंट जो है अपने स्कीम्स या अपने गतिविधियों के द्वारा जो है उन बच्चों को का देखभाल करती है। तो इसी संदेश को देने के लिए और सभी से ये गुजारिश करने के लिए कि हर बच्चे की सुरक्षा, हमारे घर के हों, बाहर के हों, आस पड़ोस के हों, बच्चों की सुरक्षा हमारी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और हमारा जो है फोकस होना चाहिए, क्योंकि बच्चे ही कल हमारा जो देश का भविष्य है। और बच्चों की, चाहे वो चाइल्ड लेबर करते हुए हों, चाहे कहीं और किसी और डिस्ट्रेस की सिचुएशन में पाए जाएं, आप लोग बेझिझक जो है 1098 इस हेल्पलाइन में संपर्क करें, हमें इस बारे में सूचना दें, ताकि उन बच्चों को जल्द से जल्द रेस्क्यू किया जाए और उनको सही अच्छी ज़िंदगी जो है देने के ऊपर कार्रवाई जो की जा सके, उनको डिस्ट्रेस से बाहर निकाला जा सके। धन्यवाद।